So first question is, which of the following statement is true? Melting point of phosphorus is less than that of nitrogen. पहले ये बताओ ये statement true है या false? क्या true है? Melting point of phosphorus is less than that of nitrogen. Why true? Phosphorus exists as P4. Nitrogen exists as. अब बताओ आंसर. आपने ट्रू बताना है. अब ये ट्रू है कि फास्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट कम हो सकता है, जो ज्यादा मोटा है जिसके चार चार एटम लगे हुए हैं, क्या उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो सकता है कि कम हो सकता है? आपके पास P4 है बेटे, आपके पास N2 है, किसका ज्यादा होगा? तो ये बोल रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फॉस्फोरस इज लेस देन दैट ऑफ नाइट्रोजन. Nitrogen is highly reactive, then phosphorus is inert. True है? Reactive के कौन सा ज्यादा? आपको statement है बेटे, nitrogen is highly reactive. Triple bond है nitrogen में. और फॉस्फोरस नॉन मेटल कैचेस फायर इजिली. देन नाइट्रोजन शो हायर टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन देन फॉस्फोरस. कैटिनेशन ज्यादा फॉस्फोरस में है P4, नाइट्रोजन में तो N2 ही है. देन NN इज वीकर देन PP. NN सिंगल बॉन्ड इज वीकर देन PP. वाई? NN का साइज छोटा है तो लोन पे इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे और NN बॉन्ड इजिली टूट जाएगा एज कंपेयर टू PP बॉन्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट? द ऑप्शन आर फ्रेंकल, शॉर्टकी, मेटल डेफिशिएंसी एंड इंटरस्टीशियल डिफेक्ट. फ्रेंकल और शॉर्टकी कौन से? दैट इज अ स्टाइकियोमेट्रिक. ठीक है, डेंसिटी किसमें कम होती है? डेंसिटी किसमें कम होती है? व्हाई? बिकॉज इक्वल नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस आर इन फ्रेंकल. 1 9 ऑक्यूपाई द इंटरस्टीशियल. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लॉ विच इज स्टेटेड एज फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन. पिंक कलर ऑफ लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल इज ड्यू टू. यहाँ पे एफ सेंटर की ऑप्शन नहीं है. यू आर वेरी मच राइट दैट इज एफ सेंटर्स, बट दे आर गिविंग दीज ऑप्शन सो यू हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम दीज ऑप्शन. द ऑप्शन आर शॉर्टकी, फ्रेंकल, मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंट. पिंक कलर ऑफ लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल, शॉर्टकी, फ्रेंकल, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंट. मेटल डेफिशिएंट हो जाएगा. मान लो आपने लिथियम क्लोराइड को हीट किया लिथियम के वेपर्स में, तभी ये डिफेक्ट आया. तो क्लोरीन अपनी स्पेस छोड़ के जाता, लिथियम तो नहीं जाता, तो मेटल एक्सेस हो जाता. नेक्स्ट, Which of the following isomer has higher melting point? Which of the following isomer has the higher melting point? 1,2-dichlorobenzene,
वन थ्री डाई क्लोरोबेंजीन, वन फोर डाई क्लोरोबेंजीन, ऑल आइसोमर है, सेम मेल्टिंग पॉइंट। यस हाँ जी आंसर तो, यू हैव ऑर्थो, यू हैव मेटा, यू हैव पैरा, सीधी बात। वन टू डाई क्लोरोबेंजीन, वन थ्री डाई क्लोरोबेंजीन, वन फोर डाई क्लोरोबेंजीन एंड ऑल आइसोमर हैव सेम मेल्टिंग पॉइंट। वन फोर पैरा में बेटे पैकिंग क्रिस्टल में अच्छी हो जाती है, पैरा में ऑपोजिट एंड्स पे होते हैं, दे पैक इन द लेटेक्स क्रिस्टल। मेल्टिंग पॉइंट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द पैकिंग इन द क्रिस्टल एंड बॉइलिंग पॉइंट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वंडरवॉल इंटरेक्शन इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। फॉर्मेशन ऑफ पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज विद एसिडिक एनहाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट with 2,4 DNP reagent, silver mirror formation with toluene reagent, existence of alpha and beta form of glucose. See बेटे अभी आपने कहीं ने बायोमोलिक्यूल्स किया नहीं होगा, जब भी आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ोगे तो ग्लूकोज के दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक रिंग चेन एक ओपन। तो ग्लूकोज में टोटल 6 कार्बन होते हैं, जिसका जो फर्स्ट वाला कार्बन है वो CHO है, दैट इज एल्डिहाइडिक। ठीक, आपने बहुत कुछ प्रूव करना होता है इसमें कि कितने OH, बाकी सारे OH हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर अल्कोहल है उसको एसिड से ट्रीट करोगे तो क्या बनता है, एस्टर। ठीक है, अगर अल्कोहल है उसको एसिडिक एसिड ट्रीट करोगे तो आपको एस्टर क्या मिलेगा, एसीटेट वाला मिलेगा। कितने अल्कोहल होते हैं, 5, इतना तो पता है आपको। ग्लूकोज में 5 अल्कोहल्स होते हैं, पता है आपको ये। तो ये पेंटा एसीटेट दे सकते हैं, हम ये रिएक्शन करते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड्स के साथ, पहली बात। उसके बाद हम प्रूव करते हैं कि ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम है, उसमें आप HI और फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको हेक्सेन मिलती है। आपने ये भी प्रूव करना होता है कि इसके पास एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, उसकी आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन करवाते हो तो आपको वहां पे एसिडिक ग्रुप आ जाता है। ये कुछ चीजें हैं जो आप प्रूव करने के लिए यूज करते हो, मगर ये चीजें ये प्रूव नहीं करते कि 2 फॉर्म्स हैं, अल्फा और बीटा। वो म्यूटा रोटेशन कहलाती है, इफ यू रिमेम्बर द वर्ड म्यूटा रोटेशन, एक आती है कि 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं अल्फा और बीटा, जिसे अनोमर्स कहा जाता है, जिसमें फर्स्ट पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है कुछ इस तरह। ये अल्कोहल है, ठीक है, ये अल्कोहल है, बाकी OHH लगे हुए हैं, वो दैट यू विल डू। ये इसको मैं ऐसे दिखा दिया, यहाँ पे OH लगा हुआ है, ये वाला H ये जाके यहाँ पे लग जाता है, दिस H विल गो हियर, और ये कैसे जाएगा, ये इस ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा। ठीक है, ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है, दिस इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। ओके, ओपन चेन ने ये साइक्लिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं किया, ये क्लोज चेन में आता ही है। ठीक है, अब अनोमर्स क्या होते हैं, अल्फा बीटा, जब ये OH इस साइड पे हो दैट इज अल्फा ग्लूकोज, ठीक है,
जब OH इस साइड पे हो जाएगा और H इस साइड पे आ जाएगा, दैट इज बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और इनको अनोमर्स कहा जाता है। तो हमने क्वेश्चन में था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एक्सप्लेन बाय ओपन चेन स्ट्रक्चर, तो हमें ये एक्सप्लेनेशन नहीं मिली, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अल्फा बीटा फॉर्म कब बनेगी? जब आप इसकी रिंग बना दोगे, समझ आ गई? अदरवाइज जो 2,4-DNP रिएजेंट है, इसको ब्रेडीज रिएजेंट भी कहते हैं, जब आप एल्डिहाइड की टोन्स बोलोगे तब आप करोगे, ठीक है? 2,4-DNP कुछ इस तरह का रिएजेंट होता है। मैं इसे कहते हैं 2,4-DNP। इस रिएजेंट के साथ जब एल्डिहाइडिक ग्रुप रिएक्ट करता है तो आपको क्या मिलता है? आपको ऑरेंज, रेड या येलो PPT मिलते हैं। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप तो हम प्रूव कर ही सकते हैं इस रिएजेंट से। 2,4-DNP जब आप रिएक्ट करोगे किसी भी एल्डिहाइड के साथ तो आपको ऑरेंज, रेड या येलो PPT मिलेंगे। गॉट इट? तो ये भी प्रूव कर सकता है। टॉलन रिएजेंट, टॉलन रिएजेंट होते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये भी एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए होता है। यहाँ पे सिल्वर Ag पॉजिटिव Ag में चला जाता है और सिल्वर मिरर अपियर होने शुरू हो जाता है, वो भी एल्डिहाइड के लिए होता है। अब नेक्स्ट इज विलियमसन सिंथेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग डाइमिथाइल ईथर इज एन। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग डाइमिथाइल ईथर इज SN1 रिएक्शन, एलिमिनेशन, SN2 एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस में क्या करते हो आप? RCl लेते हो, राइट इट, आप कर चुके हो। व्हाई यू आर सो मच स्पून फीड इट विलियम? बच्चों के दिमाग में नेमिंग रिएक्शन ऐसे स्ट्राइक करती थी, पर हम सोच रहे हैं अभी तक कौन सी विलियमसन सिंथेसिस है। हेलो एल्केन्स की सेकंड रिएक्शन है इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, सेकंड। इफ यू रिमेम्बर आपने विलियमसन सिंथेसिस ये करी, अब आई याद, हमने NaOH की जगह पे यहाँ पे R ले आते हैं, तो ये क्या करेगा? ये बैक साइड अटैक ही करेगा इसके, तो आपके पास ईथर्स बनते हैं। सेकंड रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, सेकंड, ज्यादा दूर हो तो भी। पहली आप KOH एक्वस के साथ रिएक्ट करते हो, दूसरी आप के की जगह पे R ले आते हो, सॉरी H की जगह पे R ले आते हो, सिर्फ यही फर्क है। फर्स्ट में आप एल्कोहल बनाते हो, सेकंड में ईथर्स बनाते हो। अब आपको याद नहीं रहता उसका इलाज हम कैसे करें? SN2 बेटे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इसमें प्रोबेबिलिटी तो है ही नहीं कार्बोकेटाइन बनने की, ये बैक साइड अटैक ही करेगी। क्लोरीन वाटर लूजेस इट्स येलो कलर ऑन स्टैंडिंग बिकॉज, क्लोरीन वाटर लूजेस इट्स येलो कलर ऑन स्टैंडिंग बिकॉज, लिसन टू मी केयरफुली, HCl गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एक्शन ऑफ सनलाइट, ठीक। अ मिक्सचर ऑफ HOCl एंड HCl इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। HOCl and a hydrogen gas is produced and a mixture of HCl and ClO3 is produced due to action of sunlight. ये तो तभी आपसे अटेम्प्ट होगा जब आपको रिएक्शन पता होगी, तो लिख लो क्लोरीन प्लस वॉटर, राइट डाउन, क्लोरीन प्लस वॉटर गिव यू HCl एंड HOCl।
क्लोरीन प्लस वाटर गिव यू एच ओ सी एल एंड एच सी एल. नेक्स्ट, ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू एल्कीन बाई हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. द फर्स्ट स्टेप इज, फर्स्ट स्टेप याद, ये याद रखो, अगर आपकी रिएक्शन मिक्सचर में कैटलिस्ट है ना, तो फर्स्ट स्टेप कैटलिस्ट ही करेगा, फर्स्ट स्टेप कैटलिस्ट. जब तक कैटलिस्ट रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करेगा, रिएक्शन मूव नहीं करेगी. ये सबसे बड़ा हिंट है. तो आपकी रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है. अब फर्स्ट है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, एलिमिनेशन ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर. ए, जब तक एसिड प्रोटोनेट ही नहीं करेगा, एच प्लस देगा नहीं, तो आगे क्या रिएक्शन होगी. कार्बोकेटाइन तो बाद में बनना है. एक भाई कार्बोकेटाइन आफ्टर अटैक बनता है, पहले तो नहीं बनता. आप खुद से आने हो, ये सुनिए, स्टार्टिंग में बन जाएगा, कुछ अटैक होगा. थर्ड में कह रहे हैं एलिमिनेशन ऑफ वाटर, पहले कोई अटैक करेगा, फिर कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर ही एलिमिनेट होगा. इतनी तो हम कंसेप्ट वैसे ही लगा सकते हैं. फिर फोर्थ कह रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, स्टार्टिंग में कहां से एस्टर बन जाएगा, वो भी अल्कोहल बननी. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर सैलिसाइल्डिहाइड. सैलिसाइल्डिहाइड क्या होता है पहले बोला, फिनॉल के साथ सी एच ओ, पहले फिनॉल बनाओ, उसकी सेकेंड पोजिशन पे सी एच ओ, खुद क्या करो, सी एच ओ. अब इसकी ऑप्शंस है बेटे, कॉल्स रिएक्शन, इटार्ड, लेट मी कंप्लीट इट, रिमर टिमर एंड स्टाइफन. कॉल्स में सैलिसिलिक एसिड बनता है, कॉल्वेज में कार्बन डाइऑक्साइड रिएजेंट होती है, फिनॉल को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हो, तो कॉल्बेज में सैलिसिलिक एसिड बनता है, रीमर टीमर में सैलिसाइल्डिहाइड बनता है. अभी हमने ऑर्गेनिक के, अभी सैंपल पेपर में आपने क्या देखा, इन 11 क्वेश्चंस में दो तो नेमिंग रिएक्शन ही है और एक फिजिकल प्रॉपर्टी है ना. तो नेमिंग रिएक्शन का चार्ट बनाना शुरू करो, करो अपना. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, सी वॉटर, शुगर सॉल्यूशन, 22 कैरेट गोल्ड एंड स्मोक. सी वॉटर, शुगर सॉल्यूशन, स्मोक एंड 22 कैरेट, बिट इज सॉलिड सॉल्यूशन. इतना बड़ा इंट दे दिया इन्होंने. बेटे सी वाटर में तो लिक्विड है, शुगर सॉल्यूशन में भी लिक्विड है, स्मोक में गैस है, गोल्ड ही बचता है. फिर एक क्वेश्चन है, इसके लिए इतना सोचना है. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल आर हायर देन दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मासेस ड्यू टू, बताओ क्यों, विदाउट ऑप्शन बताओ. एक आपके पास मीथेन है, अच्छा एक आपके पास इथेन है, एक इथेनॉल है, इथेनॉल लिक्विड है, इथेन गैस है,
सोचो क्यों, कौन सी बॉन्डिंग है इसमें? हाँ सही बोल रहे हो, बोलो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोकार्बन में तो वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सिर्फ, उनमें कोई OH ग्रुप है ही नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो ऑप्शन में है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसे कहते हैं बहुत इजी पेपर। नेक्स्ट आ जाओ बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये एग्जाम में भी आया था आपके, सुनो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? वॉटर, H2S, H2SC, H2TE। और ये वॉटर ही करके आई थी तो तब भी, और वॉटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम हमेशा ही भूल जाते हैं, वॉटर तो लिक्विड है बेटे। डाउन द ग्रुप मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाइड्राइड का इंक्रीज करता है, मगर 15, 16, 17 ग्रुप में अमोनिया, वाटर एंड HF एक्सेप्शंस हैं। तो क्यों? क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता था क्लास प्लस वन में, वाटर इज अ लिक्विड, H2S गैस, तब तो गूगल बाबा ने दे दिया था आपको आंसर। प्लस वन में तब तो हमने देख के लिख दिया था, तब हमने अपना लॉजिक तो लगाया नहीं था। तो बेटे वाटर का सबसे ज्यादा हो गया, फिर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, सबसे कम किसका हो गया? H2S का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? लिसन टू मी केयरफुली। फाइब्रस प्रोटीन आर जनरली सॉलेबल इन वॉटर। अच्छा मैं एग्जाम्पल देती हूँ, सिल्क इज सॉलेबल इन वॉटर? नो, तो सिल्क इज अ फाइब्रस प्रोटीन, तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। एल्ब्यूमिन इज एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन, दैट इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन। इन फाइब्रस प्रोटीन द स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड, कोई और नहीं होते, वंडरवॉल नहीं होते, होते हैं वो भी। पीएच डजंट इफेक्ट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, लास्ट ऑप्शन इज राइट। पीएच प्राइमरी स्ट्रक्चर को नहीं इफेक्ट करता, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? किस सीक्वेंस में अमाइनो एसिड्स लगे हुए हैं, दैट इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बनता है ये फर्स्ट है, ये प्राइमरी है, उसके बाद जो लिंकेज होनी शुरू होती है वो सेकेंडरी आती है, अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड। बेटे और भी होते हैं, दो ही थोड़ी ना होते हैं उसमें, सर्च कर। कल ही मिली हमें,